सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहें। तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसे तीन ऐसे टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप बहुत ज्यादा मूवमेंट स्पीड को अपनी इंक्रीज कर सकते हो। रहा नहीं जाता, लोग नमन करेंगे। हाँ जी, आपने बिल्कुल सुना, सही सुना बिल्कुल। बंदे लोग आपको नमन करेंगे कि भाई क्या मूवमेंट दिखा रहा है एंड ये मूवमेंट कर कैसे रहा है इतना। एंड देख लो, आप मेरे 2GB रैम का गेम प्ले है, आपकी रैम कितनी भी हो वो मायने नहीं रखती। बस आपको ये टिप्स तीन मायने रखती हैं, बिल्कुल रियल वर्क ट्रिक है जिससे मैं 2 साल से आजमा रहा हूँ। एंड भाई साहब, मैं जब भी 1v4 क्लच आराम से निकाल लेता हूँ एंड 1v4 क्लच का वीडियो मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे। एंड आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बता देना मेरे को। तो फर्स्ट टिप के हमारे होने वाली है, फर्स्ट टिप की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा मूवमेंट स्पीड करना है, क्लैश कोड में जाकर या कोई भी कस्टम में कहीं भी जाकर थोड़े घरों में इधर उधर निकलना है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। एंड आपका फ़ोन कोई सा भी हो वो मायने नहीं रखता। एंड थोड़ा बस स्क्रीन सही हो, उसकी स्क्रीन चलने वलने में सही हो, रैम मायने नहीं रखता। एंड वो थोड़ा स्पीड दिखाओ। एंड आप थोड़ा अगर स्क्रीन चिपक रहा है थोड़ा पाउडर लगा लो। तो फर्स्ट टिप यहाँ पे होने वाली कंप्लीट। एंड सेकंड टिप की ओर बढ़ते हैं। एंड सेकंड टिप यहाँ पे बोलने वाली हमारी, सो सेकंड ट्रिक हमारे होने वाली है, बंदे के मुंह पर जाना है एंड उसको सामने से निकलना है। एंड आप देखो इस बंदे को कैसे पागल बना रहा हूँ। एंड इसके बन टैप देखो मैं कितने आराम से रखता हूँ। एंड इसकी देखो बन, एंड आप लोग देख लो कितने आराम से मैं 1v4 क्लच यहाँ पर कर रहा हूँ। एंड पूरी वीडियो मैंने अपलोड नहीं करी है, एंड पूरी वीडियो अपलोड कर दूंगा। एंड काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई हमको ये उल्लू बना रहा है, इसकी रैम थोड़ी बड़ी होगी एंड ये आईफोन वगैरह में खेल रहा होगा। बट मैं आपको बता दूँ, मेरा 2GB रैम ही है एंड इंडिया सर्वर में ज़्यादातर 2GB रैम में ही खेलते हैं बंदे। एंड जो यूट्यूबर लोग होते हैं एंड वही आईफोन में खेल सकते हैं। एंड हम इतना पास हमारे पास पैसा वगैरह नहीं रहता जो हम आईफोन खरीदें और खेलें। हमारे पास 2GB रैम वाला फ़ोन होता है पुराना, उसी में हम थोड़ा बहुत खेल लेते हैं एंड थोड़ा बहुत यूट्यूब पर जर्नी करने की सोचते हैं, तो कोई सपोर्ट मिलता ही नहीं है गाइस। एंड थर्ड ट्रिक यहाँ पे होने वाली, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम खेलना है एंड आपको ज़्यादा रैंक वगैरह नहीं खेलना है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम खेलना है। एंड आप बंदे से बोलोगे तू मेरे को पकड़ एंड मैं भागूंगा। एंड टू आप लोग इतना मूवमेंट दिखाओ, बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिखाओ, इधर उधर घरों में से निकलो, जितना आपसे हो सके उतना करो, इस खिड़की में से कभी इस खिड़की में से। एंड आप लोग मेरे को देख लो। एंड जब भी मैं खेलता हूँ 1v4 क्लच आराम से निकालता हूँ एंड मेरे फ्रेंड लोग बोलते हैं मेरे को भी सिखाइए ट्रिक। एंड मैंने सांप को अपनी तरह बना लिया है एंड वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिखाते हैं वो आपको। मैं हर एक अपने स्क्वाड बंदे का, हर एक स्क्वाड में मेरे जितने भी बंदे हैं उनका सबका गेम प्ले दिखाऊंगा। एंड बहुत ज़्यादा ओपी लेवल का खेलते हैं एंड वो मेरे ही गिल्ड में रहते हैं। आप भाई साहब, आप तीनों ट्रिक को इनको सीखकर आपको बंदे लोग बोलेंगे अखंड पीरो, आप अखंड प्रो बन जाओगे भाई साहब एंड कुछ मूवमेंट दिखाओगे एंड बंदे लोग आपका अंदाज़ा ही नहीं ले पाएंगे कहाँ से निकला कहाँ से आया, कुछ पता ही नहीं चलेगा। एंड आप एक एक करके सबको आराम से मार दोगे। एंड ज़्यादातर बंदे क्या करते हैं, मूवमेंट स्पीड को अपनी इंक्रीज कर लेते हैं एंड इसी के दम पर, मूवमेंट स्पीड के दम पर 1v4 क्लच आराम से निकाल लेते हैं। सो वीडियो को करते हैं ख़त्म, तब के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ सपोर्ट करो गाइस।